जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नज़दीक शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बायां हाथ का यह लड़का भला जूडो कैसे क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है। ओकायो ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उससे दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साल लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उन्हें ध्यान दिया कि गुरु जी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पे सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरु जी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरु जी बोले, तुम्हें बस एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसने अपने गुरु से पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अब भी मैं बस यही किक करता रहूँगा और बाकी सभी नए तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरु जी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरु जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाला शिष्य को सेंसाई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में आरंभ हुई। गुरु जी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते उसने अपना पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उसे पर हटा दिया। ओकायो को तो मानो इस मौके का इंतजार था। उसने अपना अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता के आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देख से लगता था कि ओकायो उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा।
मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषणे का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और जब ओकायो को कम आंक रहा था, इसी दम्भ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की फिक्टिस की थी, उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। इस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसाई, भला मैंने यह प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही मूव सीख कर कैसे जीत ली? तुम दो वजहों से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो को एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी क्षमता से मार पाए, और दूसरा कि इस किक से बचने की उपाय है कि वह है विरोधी के बाएं हाथ का पकड़ कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसके सबसे बड़ी कमजोरी ही उसके सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मित्रों, हम बिगिन होने का मतलब ही इम्प्रेक्ट होना। इम्प्रेक्शन अपने आप में बड़ी बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के न होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने परिवार को साकार करने की इच्छा, दृढ़ इच्छा थी, और यकीन जानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देता है। ऐसे गुरुजी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ही सबसे बड़ा ताकत बना आपके सपने साकार कर सकता है।